आज हम बनाएंगे कलेजी हरे मसालों में। ये बहुत ही कम मसालों से बनती है कलेजी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है आधा किलो कलेजी। इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद हम इसे उबलने के लिए रख देंगे प्रेशर कुकर में। प्रेशर कुकर में मैंने कलेजी डाल दिया है। इसमें हम डाल देंगे 1 गिलास पानी और आधा चम्मच नमक। हम कुकर का लिड लगा के 10 मिनट के लिए रख देंगे उबलने के लिए। तो यहाँ पर मेरा उबल के रेडी है। तो यहाँ पर मैं इसका विसल निकाल लूंगी कुकर का। ये देखिए यहाँ पर मेरा कलेजी एकदम अच्छे तरीके से उबल के रेडी है। अब हम इसका पानी फेंक देंगे। यहाँ पर मैंने ले लिया दूसरी जगह कढ़ाई। इसमें हम डाल देंगे 2 चम्मच तेल। जैसे ही हमारा तेल हल्का गर्म हो जाएगा हम इसके अंदर डाल देंगे कुछ खड़े मसाले। तो यहाँ पर मैंने ले लिया आधा चम्मच जीरा, 4 काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 1 तेज़पत्ता, दालचीनी और 2 लौंग। जैसे हमारा खड़ा मसाला तड़क जाएगा वैसे हम इसके अंदर डाल देंगे 1 मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज। इसे हमें तब तक सॉटे करना है जब तक कि इसके अंदर हल्का ब्राउन कलर ना आ जाए। जब तक ब्राउन कलर आ रहा है तब तक हम इस मसाला तैयार करेंगे, हरा मसाला। यहाँ पर मैंने ले लिया 8 से 10 मिर्ची, अदरक, लहसुन और धनिया। धनिया थोड़ा ज़्यादा लेंगे बिकॉज हम यहाँ पे हरे मसाले की कलेजी बना रहे हैं। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे मसाले को ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ पे मेरा मसाला ग्राइंड करके रेडी है। ये देखिए यहाँ पे मेरा प्याज भी हल्का ब्राउन हो गया है। तो हम इसके अंदर डाल देंगे मसाला। और जो थोड़ा मिक्सर की बाउल में जो थोड़ा सा मसाला लगा उसमें भी हम थोड़ा पानी डाल के कढ़ाई में डाल देंगे। उसका भी पानी कुछ भी वेस्ट नहीं करना है। इसी भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। फिर हम डाल देंगे कुछ पाउडर मसाले। यहाँ पे मैं ले रही हूँ आधी चम्मच हल्दी, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और आधा चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें बिकॉज मैंने उबलते टाइम भी नमक डाला था। मसाला डालने के बाद इसको भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे ढक के रख देंगे 5 मिनट के लिए जब तक कि इसका मसाला ना पक जाए। अब मेरा मसाला पक के एकदम रेडी है। तेल भी रिलीज कर दिया हमारे मसाले ने। एक बार फिर से इसको भून लेंगे और इसके अंदर जो हमने उबाल के कलेजी साइड में रखा था वो हम डाल देंगे इसके अंदर। इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा थिक लग रहा था इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी और 5 मिनट को ढक के रख देंगे। तो यहाँ पे मेरा 5 मिनट हो गया, एक उबाल भी आ चुका है। तो यहाँ पे मेरा कलेजी एकदम बिल्कुल रेडी है बनके। तो हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा धनिया गार्निशिंग के लिए। धनिया डालने के बाद अच्छे से इसको फिर से एक बार मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा हरे मसालों से कलेजी बनके एकदम रेडी है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे।